ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। वन मोर राउंड। आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया दौड़ लिया एकदम फर्स्ट क्लास। सीढ़ियाँ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए है। सपोर्ट चाहिए। चलो ठीक है, आ जाओ। तो ये देख सकते हैं, ये हर्ष गर्ग जी का एक्सरे है, 30 साल की उम्र है। इधर पे थोड़ा सा ये स्कार था, हालांकि ये सेकंड सेटिंग के बाद का है, फर्स्ट सेटिंग के बाद का है इनका। और इधर भी था, इधर पे, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, थोड़ा सा पेल्विस टिल्ट भी था। ये ऊपर है, ये नीचे है थोड़ा सा। अब इसमें देख सकते हैं पेल्विस टिल्ट अब उतना नहीं रहा, ठीक है। और दूसरा ये जो इधर डीप था स्कार एज़ कंपेरिजन टू दिस, अब उतना इसमें डीप नहीं दिख रहा। और ये जो ऊपर टिश्यू काफ़ी ज़्यादा रफ था, उतना रफ इसमें भी नहीं दिख रहा। ये देख लीजिए, हर्ष गर्ग है और ये इनकी डेट है 29/5/2022 का, पालीवाल डायग्नोस्टिक से करवाया है इन्होंने। एंड ये है 23/5/2022 का। तो माइनर से चेंजेस हैं, ठीक है। 7 डेज़ में इतने चेंजेस काफ़ी मायने रखते हैं, अगर इतने चेंजेस हो रहे हैं तो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज़ में एक पेशेंट और हैं जो कि आज अपनी सेकंड सेटिंग पे आए थे। इनका नाम हर्ष गर्ग है। तो हर्ष जी नमस्कार। नमस्कार। इनको भी एवियन था, जानेंगे इनको कब और कैसे एवियन हुआ और आज सेकंड सेटिंग लेके इनको कैसा लग रहा है। तो हर्ष जी थोड़ा सा रोशनी डालिए इसमें शुरू से अपना। स्टार्टिंग में तो ये स्थिति थी कि कोविड से निकलने के बाद स्थितियाँ बदल गई थी, तो उस समय घुटनों में पेन रहने लगा था, तो लगा कि कमजोरी की वजह से होगा। तो इसका मैंने जनरली एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर पर इलाज चलवाया, तो उनका ये कहना था कि उसमें गठिया बाई के लक्षण दिख रहे हैं। सारी जांच कराई लेकिन उसमें कुछ ऐसा निकला नहीं। उसके बाद ये पेन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। उसकी स्थिति फिर जनवरी, सर्दी जब ज़्यादा पीक पर होती है, उस समय पैर अकड़ गया था, तब मुझे महसूस हुआ कि समस्या कुछ ज़्यादा है। MRI कराई, जब पता चला कि मेरे राइट लेग में 2nd grade और लेफ्ट लेग में 3rd grade की कंडीशन है। फिर उसके बाद थोड़ा सा होमवर्क किया, लोगों से पूछा कि क्या कर सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स ने एक ही सलाह दी कि इसका कुछ एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं है और हिप रिप्लेसमेंट तो कराना ही पड़ेगा, और मूवमेंट अच्छी है तो चलाओ जब तक चल रहा है। फिर उसके बाद स्टडी किया, क्योंकि ऐसी तो स्थिति बन नहीं रही थी, बेड रेस्ट पे कंडीशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि अपने रूटीन वर्क तो करना ही है, डिपेंडेंसी लाइफ, खासकर 30-35 साल की उम्र में तो डिपेंडेंसी रहनी ही नहीं चाहिए, तो वो एक दिमाग खाया जा रहा था, डिप्रेशन आना। तो फिर गूगल सर्च किया, यूट्यूब सर्च किया, तो डॉक्टर प्रकाश सर के बारे में पता चला मुझे। फिर बात हुई, काफ़ी चीज़ें इन्होंने अपना डेटा भेजा, उससे थोड़ा रिलाइज हुआ, 2-4 लोगों से बात भी हुई मेरी। जब एकदम कंफर्म हो गया कि कुछ ये फेक नहीं है, सब कुछ एक्चुअल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ होता है कि वीडियोस बहुत लोग डालते हैं पर हिडन चीज़ें बहुत होती हैं, इसकी वजह से मन भ्रम में रहता है। तो जब डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि इस पेशेंट का नंबर दीजिए, इस पेशेंट का नंबर दिए, डॉक्टर साहब ने व्हाट्सएप पर नंबर भी दिए, उनसे बात की, फिर मैंने फाइनली किया कि मुझे जाना चाहिए। पहली सेटिंग से पहले स्थिति ये थी कि मैं बहुत धीमे धीमे चल रहा था, सहमा सहमा चल रहा था, कॉन्फिडेंस खो चुका था, और इवन जांघों के बीच में पेन भी बहुत था। और फर्स्ट सेटिंग के बाद करीब 20 दिन के बाद, फर्स्ट सेटिंग के 20 दिन के बाद कंडीशन ये थी कि मैं चल पा रहा था, मतलब अपने रूटीन वर्क कर पा रहा था। इवन मेरे भाई की शादी थी, छोटे भाई की, तो मैंने मैरिज में बहुत डांस भी किया, इवन पूरा कार्यक्रम कोशिश की कि संभाल सकूँ तो संभालने की भी कोशिश की, और फुल ऑफ इन्जॉय किया, मैंने पूरा इन्जॉय किया, कहीं भी मुझे नहीं लगा कि मैं बीमार हूँ। फिर भी प्रिकॉशन तो रखना ही था, इसलिए मैं स्टिक लेके बैड लेके चल रहा था, कहीं गलती से कोई पैर इधर उधर ना पड़ जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोल रखा था कि तुम ठीक हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपना काम ख़राब नहीं करना है। फिर 2 महीने बाद की सेटिंग थी, जो कि लेट हो गया, तो मैं 2.5 महीने बाद आज फिर आया हूँ।
कंडीशन ये है कि मैं आज 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आसानी से चल पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स भी हैं तो उनके साथ ऐसा रहता है कि चलो अजमा के देखते हैं कितना चल रहे हैं। तो शाम को हम इवनिंग वॉक पे निकल जाते हैं तो अपना ट्रैकिंग लगा के गूगल पे, तो देखते हैं कि 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर मैक्सिमम 2 किलोमीटर हम आसानी से चल पा रहे थे बिना किसी दर्द के। तो इससे ज़्यादा रिव्यू मैं देने से रहा, क्योंकि पहले चलना ही संभव नहीं था, अब 2 किलोमीटर तक चल पा रहे हैं। सही तो बात है, थैंक यू सर, इतना बहुत बड़ी बात है 2 किलोमीटर चलना, और वो भी एवियन पेशेंट के लिए। नॉर्मल आदमी नहीं चलता, घर पे ही चलता है, बाहर नहीं चलता। अगर 2 किलोमीटर तो ये हो गया, बाकी इनके घर पे भी मतलब जैसे हॉस्पिटल में भी चल रहा है तो वो भी थोड़ा ऐड ऑन होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्ष जी, आपने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया, और एंड आई थिंक आप लोगों के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव एंड आप लोगों के डिप्रेशन को कम करने वाला ये इंटरव्यू है इनका। डिप्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको, पॉजिटिविटी के साथ एक्सरसाइज ज़रूर स्टार्ट करिए। मैं लगभग हफ्ते में 3 बार कोशिश करता हूँ, मंडे की इवनिंग, वेडनेसडे की मॉर्निंग एंड फ्राइडे की इवनिंग एक्सरसाइज करवाता हूँ। आप सभी लोग उसमें साथ में प्रेजेंट होकर एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको भी साथ मिलेगा और मुझको भी साथ मिलेगा, तो बहुत पॉजिटिविटी आती है। और हम सब लोग साथ मिलकर एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो घर में आदमी अकेला पड़ जाता है तो एक्सरसाइज नहीं होती। और सबसे अच्छी बात यह है सर कि अपने क्लिनिक पे होता यह है कि मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स से हम मिल के आ जाते हैं, फिर वही डीमोटिवेशन पेन शुरू हो जाता है वो सारी चीज़ें। तो हर 7 दिन के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपकी यूट्यूब पे बनी रहती है, जिस वजह से लाइक ओपीडी हो गई, क्वेश्चंस के जवाब हो गए, आपके एक्सरसाइज सेशंस हो गए, जिस वजह से मोटिवेशन मिलता रहता है। नहीं तो होता क्या है कि हमने एक बार चीज़ सीख ली उसके बाद में गलतियाँ होती जाती हैं, हमें अपडेट मिलता ही नहीं है कि आगे हमें करना क्या है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि ऑन कॉल हमें बहुत सारी एडवाइस भी मिल जाती हैं, ग्रुप्स भी बने हुए हैं जिसमें बहुत सारे एवियन के पूरे देश भर से पेशेंट्स भी जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से उनका एक्सपीरियंस भी मिलता है। जैसे कई बार एक्सपीरियंस मिलता है कि सुबह की धूप लेना है, फ्लैक्स सीड खाना है, तो इन सब चीज़ों से इवन मैं तो ये मानता हूँ कि यदि आप विचार भी कर रहे हैं हिप रिप्लेसमेंट का, तो उससे पहले बॉडी को इतना मजबूत कर लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जिन भी वजह से हो रहा है लाइक एस्टेरॉयड हो गया, शराब हो गया, बात की समस्या हो गई, तो होता क्या है आगे जाके दूसरे अंगों को भी खराब कर देगा। इससे पहले हमें अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना लेना है कि कल को हमें ऑपरेशन कराना भी पड़ा या कराने का मन भी है तो वो समस्या ना क्रिएट हो कि हमने आज हिप बदलवा लिए, कल नी की बारी आ जाए, कल शोल्डर की बारी आ जाए। सही। तो बेफिक्र होके आराम से 1-2 साल ये नहीं सोचना है कि यहाँ आके चलेगा क्या, 2 किलोमीटर से क्या होगा। हमें ये पहले सोचना है कि हमने बीमारियों को कैसे ख़त्म करना है। जैसे मैंने 7 किलो वजन कम किया, हो सकता था शायद हिप रिप्लेसमेंट के बाद मैं कोशिश ही नहीं करता वेट कम करने की, आलस ही देगा, क्योंकि मुझे तौर तरीके डॉक्टर तो बताएंगे नहीं कि मुझे जीवन में बदलाव क्या करने हैं, क्योंकि अक्सर बीमारियां अपने खाने पीने से ही ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ आके सबसे अच्छी बात है कि लिविंग स्टाइल बहुत इम्प्रूव हुई है। इवन यदि आप कोई लोग चाहें मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप मेरे पिछले फ़ोटोज़ में आपको भेजूंगा, आज के फ़ोटोज़ में आपको भेजूंगा, मेरे इवन एवियन में ही नहीं इवन फेस में भी और बॉडी में भी काफ़ी हद तक चेंजेस हैं जिनसे मैं काफ़ी हद तक खुश हूँ। मतलब एवियन की लड़ाई में आपको पूरी अपनी बॉडी को चेंज करना पड़ता है, एंड जो लोग इसको कर लेते हैं, कई बार क्या होता है कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार नहीं, मैं इतना सारे परहेज और ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता, लाओ मैं हिप रिप्लेसमेंट करा लेता हूँ। चलो आपने करा लिया, कोई बात नहीं, मगर क्या है ना, दूसरी बीमारी को भी आपने दावत दे दी, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप चल नहीं पाओगे, उतना ज़्यादा कर नहीं पाओगे, बीपी, शुगर, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपने ओरिजिनल को ठीक कर लिया तो आपने इसके साथ साथ और भी कई सारी बीमारियों को काट लिया, आपने अपना वेट कंट्रोल कर लिया, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आज आप चलने लायक हो गए, तो आगे और बीमारियां नहीं बढ़ेंगी। इन सब चीज़ों की भी काफ़ी हद तक गारंटी हो जाती है कि आपकी कंडीशन बेटर रहेगी, या ये मान सकते हो कि आपने अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा 5-10 साल और अच्छा कर लिया, और अच्छा आप लेके चले गए, बीमारियों को दूर रखा। जो बीमारी या बीपी शुगर 5 साल में आने वाला है वो 10 साल बाद और उसके बाद आएगा। तो ये सब जो मैं गाइडलाइन देता हूँ ये सब हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद ही होने वाले हैं, कोई नुकसानदायक नहीं। किसी को हिप रिप्लेसमेंट भी करना पड़ता है तब भी उसकी मसल्स मजबूत होंगी, तभी उसको काम, हिप रिप्लेसमेंट भी तभी उसके काम आएगा। तो जो भी मेरी गाइडलाइन है आप सभी लोग उसको फॉलो कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी, बहुत अच्छा रिव्यू दिया आपने,
और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। टिल देन बाय बाय।